मारने के सपने देखती है। वो रात को उसे मारने के सपने देखती है और सुबह उठकर उसी के लिए नाश्ता भी बनाती है। वो रात को उसे चोटिल करने की कोशिश करती है और सुबह उठकर उसी के लिए हुई चोट को छिपाने के बहाने भी बनाती है। वो रात को उस हैवान की मुस्कान से डरती है। वो रात को उस हैवान की मुस्कान से डरती है और सुबह उठकर उसके आते हुए उसका घर भी संभालती है। वो रात को I'm sorry. वो रात को दर्द से कराहती है और सुबह उठकर उसके घाव पर मरहम भी लगाती है। वो रात को उससे बख्श देने की गुहार लगाती है। और सुबह उठकर उसे हर मुसीबत से बचाती है। वो रात को अपनी चीख दबाती है और सुबह उठकर उसकी चीखें भी सुनती है। वो रात को अपने लिए उससे लड़ती है। और सुबह उठकर उसी के लिए पूरे समाज से भी झगड़ती है। अरे भाई अब पति है तो ऐसा ही करेगा, लेकिन जब घर में ही उसके साथ ये सब होगा तो उसे अपना हक कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं, उसने कुछ किया है, आवाज उठाने की भी उसने कोशिश की, पर बदले में सिर्फ धमकी मिली। बोला गया उसे, ऐसा है कि देख, मैंने शादी इसीलिए की, नहीं कर सकती, मुझे कुछ तो अपना सामान बांधो और निकल दो। अब कहां गया वो समाज जो नारी सशक्तिकरण की बात करता है? खैर अब इसमें समाज का क्या कसूर, उन्हें क्या मतलब वो घर में उसके साथ क्या करता है? घर की बात है घर में ही सुलझा लेंगे और कुछ अनहोनी हो गई तो समाज का क्या है, वो बस मोमबत्तियां जला देंगे। ऐसे ही करते करते एक सिलेंडर फिर यूं ही फट जाएगा। ऐसे ही करते करते एक सिलेंडर फिर यूं ही फट जाएगा और एक औरत का अस्तित्व सिर्फ अखबार की सुर्खियों में सिमट रहेगा।